बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आमिर अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल AA गेमिंग 1.0 को काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आ सके। आज मैं एक मुख्तसर वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और अभी कुछ देर पहले, गालबन 6.5 घंटे पहले, एक मैंने वॉर खेली है, एक अटैक किया है और उसमें बड़े अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए आप इसका जो रिप्ले है वो शेयर करूँ, उसको जो है वो वीडियो में आप तक पहुँचाऊँ। तो आइए चलते हैं स्ट्रेट अवे रिप्ले के ऊपर। टाउन हॉल 14 था, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी वॉल्स जो हैं वो काफ़ी वीक थी। अब मेरे लिए सुनहरी मौका था कि मैं इसमें 3 स्टार्स ले सकूं, जो कि मैंने लिया। गो के कुछ वेपन्स इसके अपग्रेड थे, जिस तरह ईगल आर्टिलरी जो है और एक जो इन्फर्नो टावर है वो मैक्स लेवल पे अपग्रेड था। विजर्ड टावर्स भी काफ़ी अपग्रेड थे। स्कैटर शॉट्स अपग्रेड नहीं थे, जिस और इनकी वॉल्स जो हैं वो बहुत ही वीक थी, जिसकी का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो इस वॉर की तरफ चलते हैं, इसके रिप्ले की तरफ, और आप देखिएगा कि मैंने इसमें इनकी इस ओपोनेंट की जो काफ़ी जो कमज़ोरियाँ थी उससे कमज़ोरियाँ जो थीं उससे किस तरह फ़ायदा उठाया। सबसे पहले मैंने वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इसमें 3 इलेक्ट्रो छोड़े थे और साथ ही मैंने जो ड्रैगन्स हैं वो छोड़े। बैलून्स को मैंने ज़्यादा स्कैटर्ड करके जो है 15 बैलून्स को मैंने छोड़ा। आप वीडियो देखें, आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी। रेज और हील स्पेल, इसको आपको चाहिए कि आप बहुत मुनासिब टाइम में एक्यूरेटली इसको यूज़ करें। अगर जितना एक्यूरेट आप यूज़ करेंगे इन हील स्पेल्स को, रेज स्पेल को, उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मेरा जो वॉल ब्रेकर स्टीच था वो एंड तक गया और टाउन हॉल को टकरा के वो ओपन हुआ है। इसमें जो मुझे डोनेशन मिली हुई थी, इलेक्ट्रो ड्रैगन था मैक्स लेवल का, उसने काफ़ी खातिर ख्वाह मेरा साथ दिया और ये टाउन हॉल को तबाह करने में उसने कलीदी किरदार अदा किया। गो के मेरे जो दीगर मैक्स लेवल के नॉर्मल ट्रुप्स थे वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, लेकिन जो आर्चर क्वीन है उसने और बारबेरियन किंग, इसने इस दफ़ा काफ़ी मेरा साथ दिया। ये देखिए, वेस्ट की साइड से मैंने इस क्लैन को, अपने ओपोनेंट का जो ये बेस था, इसको तबाह करना शुरू किया था और ये आस्ता आस्ता ईस्ट की तरफ आया। ज़्यादा बेहतर यही रहा कि जो वेपन्स थे वो शुरू में तबाह कर दिए गए थे और एंड पे आर्चर क्वीन ने स्पेशली तसल्ली के साथ बाकी जो थी रिसोर्सेज उनको जो है ना फारिग किया। सबसे एंड पे मैंने इसकी पावर यूज़ की आर्चर क्वीन को, जिसमें ये थोड़ी देर के लिए इनविजिबल हो जाती है और ये नाजरीन मैंने 3 स्टार्स इस तरीके से ले लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।